टाटा इंडिका DLS मॉडल का है और इसका हम फ्रंट कैलिबर खोलने वाले हैं, जबकि फ्रंट कैलिबर में इसकी सर्विस करना है और वो घड़ी घड़ी गाड़ी का ब्रेक जो है तो जाम कर दे रहा है। इसके लिए हम उसको खोलेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले टायर खोलना होगा और टायर खोलने के बाद फिर हम खोलेंगे इसके कैलिबर के 17 के बोल्ट और उसके बाद खोलना पड़ेगा हमको ब्रेक ऑयल का पाइप, जैसे कि हम पहले ही खोल दे रहे। ब्रेक ऑयल का पाइप खोलने के बाद कैलिबर फ्री हो जाएगा हमारा और फिर खोलेंगे उसके 2 बोल्ट और कैलिबर हमारा बाहर। तो इस तरह से दोस्तों टाटा इंडिका DLS मॉडल का फ्रंट कैलिबर जो है बाहर निकलेगा। तो उसके लिए 2 बोल्ट है और 2 बोल्ट एक ऊपर एक नीचे होता है, जो हम ऊपर का भी लूज़ कर चुके, अभी हम नीचे वाला बोल्ट लूज़ करेंगे। और नीचे का बोल्ट लूज़ करने के बाद हमको कैलिबर को थोड़ा फ्री करना होता है, जैसे कि इस रॉड से या कोई टामी कोई रॉड से, जिससे कि वो जो डिस्क है डिस्क को छोड़ दे और उसके अंदर गैप हो जाए पिस्टन में और लाइनर में, तो उसी से फिर उसका वो कैलिबर आराम से बाहर निकल जाए। अभी इसके ब्रेक पैड नए डाले हुए हैं, फिर भी उसके अंदर एक प्रॉब्लम है तो जो फील जाम कर रहा है, तो हम उसको साफ करके फिर फिट करने वाले हैं। तो ये टाटा DLS यानी टाटा इंडिका का फ्रंट कैलिबर कैसे खोले, तो उसके लिए आपको एक 18-19 का पाना लगेगा, एक 16-17 का पाना लगेगा और एक 14 का पाना लगेगा। और व्हील पाना तो आप सबके पास होता ही है, तो व्हील पाने से आपको सबसे पहले व्हील खोलना है और उसके बाद किसी को 18 के नट्स होते हैं, किसी को 17 के होते हैं कैलिबर में 2 नट्स, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमने 17 के हैं और हमने उसको खोल दिया है और अब हम उसको कैलिबर को लूज़ करेंगे, यानी पिस्टन में और कैलिबर में यानी डिस्क में कैप करेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। तो ये इस तरह से टाटा इंडिका का कैलिबर बाहर निकलता है। देखो दोस्तों ये निकल चुका है बाहर।